KTM लॉन्च करने वाला है अपना 490cc का सेगमेंट पूरा का पूरा इंडिया के अंदर। ये सच है या झूठ, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हो थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सो गाइस, जहां तक है KTM अपना 490cc का जो सेगमेंट है वो इंडिया में लॉन्च करेगा, बजाज ऑटो बनाएगा वो सारी बाइक्स, और ट्विन सिलेंडर बाइक्स होंगी, मतलब दो सिलेंडर होंगे उस बाइक में, पैरेलल ट्विन इंजन होगा KTM के द्वारा। एंड जो उसका फ्रेम होगा, वो जो 390cc की बाइक्स का फ्रेम आता है, उसको थोड़ा बहुत ट्वीक किया जाएगा, थोड़ा बहुत जो ट्रेलिस फ्रेम है उसमें हल्के से डिज़ाइन चेंज किए जाएंगे 490cc की बाइक्स के लिए। और बात करें तो लगभग 55 हॉर्स पावर जनरेट करेगा, 40 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा, बहुत ही बेहतरीन पावर होगी। KTM की अगर बात करें 490 सीरीज़ के बारे में, तो काफ़ी सारे मॉडल्स आने वाले हैं, जैसे कि ड्यूक 490 हो गया, RC 490 हो गया, एडवेंचर 490 हो गया, और अगर थोड़ी बहुत और चॉइसेस अगर देखें तो ऑफ रोड व्हीकल भी हो सकते हैं, प्रॉपर ऑफ रोड फोकस्ड व्हीकल हो सकते हैं। मेन फोकस है ड्यूक 490 और एडवेंचर 490 पे। अगर ड्यूक 490 की बात करें तो काफ़ी कुछ डिज़ाइन ड्यूक 790 जैसा होगा। पेंट स्कीम बहुत ही शानदार होने वाली है, देखते हैं प्योर ब्लैक में भी जहाँ तक आ सकती है ड्यूक 490। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द बाइक बिकॉज एक प्रीमियम सेगमेंट में आ जाएगी वो बाइक 490। अगर बात करें पैरेलल ट्विन की बात करें, अगर पैरेलल ट्विन इंजन मिल जाएगा हमें, सर्विस कॉस्ट जहाँ तक थोड़ी सी महंगी हो सकती है एज़ पर द नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हम बाइक्स में देते हैं लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये लगभग, कम से कम उसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। बाकी आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द बाइक। अब देखते हैं कि जो लाइव बाइक हमें मिलेगी देखने को, जो चलाने को मिलेगी, वो कैसा परफॉर्म करती है। बाकी जितना अभी मैंने देखा है, जितनी भी न्यूज़ मैंने पढ़ी है, उससे तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, बिकॉज बहुत ही मज़ा आ जाएगा अगर KTM ने लॉन्च करा अपना 490 का पूरा लाइनअप। इट विल बी रियली ग्रेट, क्योंकि स्पेशली यार KTM की जो पावर होता है, जो उसका कह सकते हैं बिल्ट क्वालिटी होता है, वो बहुत अच्छा होता है, और अगर उसमें भी 390 के ऊपर अगर एक लेवल ऊपर बढ़ा दिया जाए 490 वाला, तो दैट विल बी आइसिंग ऑन द केक, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं, मैं काफ़ी सारे कमेंट्स देख रहा था कि भाई 490 का क्या चल रहा है आजकल, ड्यूक 490 के क्या रूमर्स आ रहे हैं, या ये रूमर्स हैं या फिर फैक्ट है। तो मैंने आपको बता दिया आज इस वीडियो में, जहाँ तक है ये 2021 के शुरुआत में आएगी, एंड 2019 में साउथ की किसी फैसिलिटी में हमें देखने को मिली थी एक ट्रैक फोकस्ड बाइक, क्या पता वो RC 490 ही हो। काफ़ी सारे लोग पहले बात कर रहे थे कि नहीं यार वो 2020 की RC 390 है, पर वो RC 390 नहीं थी, बिकॉज RC 390 का डिज़ाइन पहले से सही है, क्या पता वो RC 490 हो। और ऐसी न्यूज़ सुन के तो हर कोई खुश हो जाएगा, बिकॉज पैरेलल ट्विन इंजन इज़ अमेजिंग, वी लव पैरेलल ट्विन इंजन, पैरेलल ट्विन इंजन आर सुपर्ब। आपको R3 में देखने को मिलता है, आपको निंजा 300 में देखने को मिलता है, अगर 300cc के सेगमेंट की बात करें तो इंजन बहुत मस्त होने वाला है। राइड क्वालिटी तो वैसे ही बहुत अच्छी थी और अच्छी होने वाली है, और अगर प्रॉपरली बात बताऊँ मैं तो कम्प्लीटली LED इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलेगा, TFT स्क्रीन मिलेगी आपको, और जो हेडलाइट क्लस्टर है वो पूरा होने वाला है LED, जैसे कि आपको ड्यूक 390 में देखने को मिलता है, बट जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत ड्यूक 790 जैसा होगा। जो बाइक का पूरा अगर टैंक वैंक की बात करें या रियर साइड की बात करें, तो बहुत ही शानदार होने वाला है, स्पेशली जो ड्यूक 490 है उसका डिज़ाइन। अभी हम अनुमान लगा रहे हैं कि जो RC 490 उसका डिज़ाइन कैसा होगा, अभी तक ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है। जैसे ही KTM की तरफ से कुछ भी प्रॉपरली कन्फर्म्ड मिलता है, मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव वीडियो। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे प्यारा सा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर कहीं मत जाइएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं लेटेस्ट वीडियोज़ बना देता हूँ, मतलब स्टोरीज़ के थ्रू मैं वहाँ बता देता हूँ जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है रिगार्डिंग द ऑटोमोटिव वर्ल्ड, चाहे वो KTM की हो, चाहे वो हार्ली डेविडसन की हो, चाहे वो किसी कार ब्रांड की हो, मैं वहाँ सारे अपडेट्स दे रहता हूँ। तो गाइस डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ लिख के आ रहा होगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड अमेजिंग बाइक स्टोरीज़। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग बर्थडे, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एज ऑलवेज बी हैप्पी एंड राइड सेफ, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।